होली के मौके पर भोजपुरी की दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकरा तो गईं, लेकिन दोनों के टकराने के बाद दोनों ही फिल्मों को बराबर रिस्पांस मिला था या मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई एक फिल्म निकलेगी आगे, लेकिन अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई है। फिल्म का आज चौथा दिन है और अभी तक फिल्म एक दूसरे से लगातार मुकाबला कर रही है। एक दिन एक फिल्म का ग्राफ सबसे ऊपर रहता है तो दूसरे दिन दूसरी फिल्म का ग्राफ सबसे ऊपर आ जाता है। अभी तक निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान का काफी शोर था और इस फिल्म की पहली कमाई भी एक सिनेमा सेंटर से बाहर निकल कर आई थी। एक दिन में शेरे हिंदुस्तान ने वाराणसी के आनंद मंदिर सिनेमा घर से 1,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था, लेकिन चौथे दिन तक अभी तीसरे दिन की कमाई पवन सिंह की फिल्म शेरे हिंदुस्तान के सामने आ चुकी है। हालांकि ये कलेक्शन ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा है, लेकिन 3 दिन का कलेक्शन हर सिनेमा घर को मिलाकर कहा जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर कमा चुकी है। और आज चौथे दिन का कलेक्शन अभी सामने नहीं आ पाया है। अगर सप्ताह भर में ये फिल्म ऐसे ही लाख लाख के ग्राफ पर दोनों पहुंचती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हफ्ते भर में ये फिल्म करोड़ों की कमाई कर सकती है। फिलहाल दोनों ही फिल्में जोरों पर है। आज क्रैक फाइटर का शोर सबसे ज्यादा है, कल निरहुआ की फिल्म का शोर सबसे ज्यादा था। अब आगे आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म आगे निकलती है ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही फिल्म को भीड़ के साथ मिल रही है कांटे की टक्कर। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।